सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि वो राष्ट्रपिता थे, उनके ऊपर कोई भी नहीं था। जितना उन्होंने देश के लिए किया इतना किसी भी इंसान ने देश के लिए नहीं किया। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जिनके बाद आप फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। कहा जाता है जो राष्ट्रपिता होता है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता, पर उनके भेदभाव के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो एक कम्युनिटी की तरफ कितना झुके हुए थे इस बात का अंदाज़ा आप कुछ चीज़ों से लगा सकते हैं। पहली बात ये है कि वो एक श्लोक पढ़ते थे जो कि हमेशा से अधूरा था, अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि अहिंसा जो है मनुष्य का परम धर्म है। कहा जाता है कि ये बात उन लोगों के लिए कहा जाता था जो कट्टरपंथी के लोग थे, जैसे कि वीर सावरकर थे, भगत सिंह आजाद थे, सुखदेव थे। इन लोगों के लिए कहा जाता था कि अहिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्मा। अब जो असली श्लोक है वो सुनिए, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा तदैव चाहिए, यानी कि अहिंसा जो है मनुष्य का परम धर्म है, हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो धर्म के लिए हिंसा करते हैं वो उससे भी श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि इस बात को आप उदाहरण से इस तरह से समझिए कि अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो आप क्या आप ये कहेंगे कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा अधर्म है, हम नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है ना, उस टाइम तो आप हिंसा ही करेंगे। तो इसी तरह से अहिंसा परमो धर्म केवल उस समय के लिए जब आप किसी कारणवश नहीं करते हो, मतलब बगैर कारण के किसी के ऊपर हिंसा करते हो। पर अगर आप हिंसा किसी धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो, किसी की मान मर्यादा के लिए कर रहे हो, तो ये हमेशा जो है अच्छा ही है, श्रेष्ठ है। दूसरी बात दोस्तों, एक छंद आपने गांधी जी के मुँह से सुना होगा जो कि आज मंदिरों में मठ में हर जगह बजता रहता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये श्लोक पूरा गलत है दोस्तों। आप इसका जो असली, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये श्री रामनामयम ने जो कर्नाटक की तरफ एक ग्रंथ है उसमें से लिया गया है, और इस गीत का नाम रामधेनु है, ठीक है। और ये जो है बनाया गया था श्री लक्ष्मणाचार्य जी की तरफ से, उन्होंने ही इस गीत की रचना की थी। और गीत कुछ इस तरह से था, ये जो गलत वाला नहीं, ये सही वाला गीत जो इस तरह से था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव राजा राम। इस तरह से ये पूरा श्लोक था जो मैंने आपको बताया। इसमें आपको अंतर क्या पता चल रहा है? ये अंतर एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के आगे झुकाया कैसे जाए, सेकुलर कैसे बनाया जाए, इस बात के ऊपर पूरी ये चर्चा जो थी ये पूरी इसी के ऊपर है कि किस तरह से एक इंसान को जो है आप लोग दूसरी कम्युनिटी के आगे झुकाने के लिए क्या क्या कर रहे हो। कहा जाता है गांधी बहुत बड़े जो है इतिहासकारक थे। कहा जाता है वो परमपिता परमात्मा के अनुरूप रहते थे। कहा जाता है वो महात्मा थे। मेरे हिसाब से इतिहास के जहाँ जो उन्होंने छेड़खानी करी है ना, उसके लिए इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा उन्हें, जो उन्होंने इतिहास के साथ में छेड़खानी करी। अरे कोई इंसान अपना धर्म बचा रहेगा, धर्मो रक्षे रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले की ही रक्षा होती है। आप कह रहे हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अहिंसा परमो धर्मा, और पूरे पूरे गलत है। अहिंसा परमो धर्मा ये तो आपने बता दिया कि अहिंसा परम धर्म है, बस कब धर्म है अहिंसा, तब तो सोचिए। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा तदैव चा, यानी कि धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी ने कितनी छेड़खानी करी, ये आपके ऊपर आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। पर इतिहास के साथ में जो उन्होंने छेड़खानी करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।